हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो आज कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है। वो तो आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ईयर होल के बारे में। ये प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से 60-70% लेडीज परेशान है। पहले मैं भी कुछ ईयर होल की प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। जब भी मैं कोई भी हैवी या हैंगिंग वाले ईयर पहनती थी तो मेरा जो कान का छेद था वो टॉप्स नीचे की ओर लटक जाता था और छेद ऊपर की ओर दिखाई देता था, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं काफी ज्यादा परेशान रहती थी। फिर मैंने ये जो मेरा ट्रीटमेंट है ये फॉलो किया और आप देख सकते हो दोस्तों, उससे जो मेरा कान का छेद है वो बिल्कुल सही शेप में आ गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल छोटा हो गया, लेकिन तब भी ये बहुत सही शेप में आ गया है। तो दोस्तों, मुझे लगा क्यों ना ये ट्रीटमेंट मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ, अगर आप उसे 20-21 दिन फॉलो करते हैं तो आपका जो कान का छेद है वो बिल्कुल सही शेप में आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी कि आप ये ट्रीटमेंट को एक दिन कीजिए, दो दिन कीजिए, आपका कान का छेद सही शेप में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो कान का छेद होता है इसको बड़ा होने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको ये ट्रीटमेंट को 20-21 दिन तो जरूर फॉलो करना होगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी कि आप इसे एक दिन या दो दिन फॉलो कीजिए, आपका जो कान का छेद है वो सही शेप में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस छेद को बड़ा होने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसे सिंक करने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको जो ट्रीटमेंट है इसे 20-21 दिन जरूर फॉलो करना है। अगर आप इसे 20-21 दिन लगातार फॉलो कर लेते हैं तो आपका 101% जो कान का छेद है वो सही शेप में आ जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जो हमारा ये ट्रीटमेंट है इसे कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है, चलो आगे इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए ये, इसे कहते हैं बबूल की कोंद, जो कि आपको किसी भी किराने वाले की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये है बबूल की कोंद, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है बबूल की कोंद, आपको ये किसी भी किराने वाले की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इस बबूल की कोंद को ले लेना है और इसे कूटनी में डालकर कूट कर इसका एक महीन सा पाउडर निकाल के तैयार कर लेना है। दोस्तों, मैंने खुद निकाल के तैयार किया है, आप देख सकते हो। तो आपको इस पाउडर को ले लेना है और उसके बाद आपको चाहिए व्हाइट टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं आपको वही टूथपेस्ट ले लेना है। आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा गोंद ले लेना है और थोड़ा सा इसमें व्हाइट टूथपेस्ट मिला लेना है और इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो आपका कान का इयररिंग्स है इसको आपको उतार देना है और इस पेस्ट को आपको अपने जो कान का छेद है इसमें अच्छी तरीके से भर लेना है। आगे से, पीछे से, दोनों साइड से आपको इसको अच्छी तरीके से भर लेना है और उसके बाद लेना है आपको कोई भी टेप। टेप की आपको टू पीस करके, एक टेप को आपको इधर से और एक टेप को आपको उधर से लगाकर पूरी तरीके से कवर कर देना है, जिससे क्या है आपको जो रात में सो जाए तो ये आपका जो ट्रीटमेंट है वो कान से निकल ना जाए। आपको इस तरीके से लगा कर सो जाना है और नेक्स्ट डे आपको अपने कान को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। और उसके बाद में आपको भी जो मॉइस्चराइजर आपके घर पे हो, आप जो अप्लाई करते हो, वो आपको अपने कान के छेद पे जरूर लगा लेना है। क्योंकि क्या है ना, कोलगेट लगाने से जो हमारी स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए आपको लोशन लगा लेना है। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब तक आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करोगे आपको अपने कान में कुछ भी नहीं पहनना है। क्योंकि आप अगर कान में कुछ भी डाल लोगे तो उसे जो आपका कान का छेद है वो बिल्कुल भी सिक नहीं हो पाएगा, सही शेप में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप जब तक ये ट्रीटमेंट फॉलो करोगे आपको अपने कान में कुछ भी नहीं डालना है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये ट्रीटमेंट 20-21 दिन फॉलो करते हैं तो आपका जो कान का छेद है वो बिल्कुल भी सही शेप में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो बबूल होता है इसमें कुछ चिपकने वाली कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारे कान के छेद को सिंक करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो कोलगेट है, इन दोनों को मिलाकर जो इसका मिश्रण बनता है, इससे जो हमारे कान का छेद है वो 101% सिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो आज कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।